नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 62वां सर्ग, किष्किंधा कांड से द्विषष्टितम सर्ग। इस सर्ग में है निशाकर मुनि का संपाद देते हुए उन्हें भावी श्री रामचंद्र जी के कार्य में सहायता देने के लिए जीवित रहने का आदेश देना। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। एवं उक्त्वा मुनिश्रेष्ठ मरुदम भृश दुखितः अथ ध्यात्वा मुहूर्तम च भगवानिदम् अब्रवीत् पक्षौ च ते प्रपक्षौ च पुनरन्यौ भविष्यतः चक्षुषी चैव प्राणाश्च विक्रमश्च बलं च ते पुराणे सुमहत्कार्यं भविष्यं हि मया श्रुतं दृष्टं मे तपसा चैव श्रुत्वा च विदितं मम राजा दशरथो नाम कश्चित् इक्ष्वाकुवर्धनः तस्य पुत्रो महातेजा रामो नाम भविष्यति अरण्यं च सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन गमिष्यति तस्मिन्नर्थे नियुक्तः सन् पित्रा सत्य पराक्रमः। ये सर्ग पिछले दो सर्गों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले दो सर्गों से हम संपाति की आत्मकथा सुन रहे हैं, कैसे उनके पंख जले, कैसे जटायु को उन्होंने बचाया, जिसे वे निशाकर मुनि को सुना रहे हैं। तो निशाकर मुनि से पिछले सर्ग के अंत में उन्होंने यही कहा था कि मैं राज्य से भ्रष्ट हुआ, भाई से बिछड़ गया, पंख जल गए, पराक्रम सब नष्ट हो गया, अब केवल मरने की इच्छा है और बस उसी इच्छा से मैं इस पर्वत शिखर से नीचे गिरूंगा। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं आगे कि हे वानरों, उन मुनिश्रेष्ठ से ऐसा कहकर मैं बहुत दुखी हो विलाप करने लगा। नैऋतो रावणो नाम तस्य भार्याम हरिष्यति राक्षसेन्द्रो जनस्थाने अवध्यः सुरदानवैः साच कामैः प्रलोभ्यन्ति भक्ष्यैर्भोजैश्च मैथिली न भोक्ष्यति महाभागा दुःखमग्ना यशस्विनी परमानं च वैदेह्या ज्ञात्वा दास्यति वासवः यदन्नमृत प्रख्यं नामपि दुर्लभम् तदन्नम मैथिली प्राप्य विज्ञायेन्द्रादिदं त्विति अग्रमुद्धृत्य रामाय भूतले निर्वपिष्यति यदि जीवति मे भरता लक्ष्मणो वापि देवरः दिवत्वं गच्छतोर्वापि तयोरन्नमिदं त्विति। तो वो मुनि संपाति को दिलासा देते हुए और भविष्यवाणी बताते हुए पुराणों में जो उन्होंने पढ़ा था उसकी जानकारी देते हुए उनसे आगे कहते हैं कि वनवास काल में जनस्थान में रहते समय श्री राम की पत्नी सीता को राक्षसों का राजा रावण नामक असुर हर ले जाएगा और वह देवताओं और दानवों के लिए भी अवध्य होगा। मिथिलेश कुमारी सीता बड़ी ही यशस्विनी और सौभाग्यवती होगी। यद्यपि राक्षस राज की ओर से उसको तरह तरह के भोगों और भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों का प्रलोभन दिया जाएगा, तथापि वह उन्हें स्वीकार नहीं करेगी और निरंतर अपने पति के लिए चिंतित होकर दुख में डूबी रहेगी।
सीता राक्षस का अन्न नहीं ग्रहण करती। यह मालूम होने पर देवराज इंद्र उसके लिए अमृत के समान खीर, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, निवेदन करेंगे। उस अन्न को इंद्र का दिया हुआ जानकर जानकी उसे स्वीकार कर लेगी और सबसे पहले उसमें से अग्रभाग निकालकर श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य से पृथ्वी पर रखकर अर्पण करेगी। उस समय वो इस प्रकार कहेगी कि मेरे पति भगवान श्री राम तथा देवर लक्ष्मण यदि जीवित हों अथवा देव भाव को प्राप्त हो गए हों, यह अन्न उनके लिए समर्पित है। एष्यन्ति प्रेषितास्तत्र रामदूताः प्लवंगमाः आख्येया राम महिषी त्वया तेभ्यो विहंगम सर्वथा तु न गंतव्यम् मीद्रशः क्व गमिष्यसि देशकालौ प्रतीक्षस्व पक्षौ त्वं प्रतिपत्स्यसे उत्सहेयम् अहम् कर्तुमद्यैव त्वां सपक्षकम् इहस्तस्त्वं हि लोकानां हितं कार्यं करिष्यसि त्वयापि खलु तत्कार्यं तयोश्च नृपपुत्रयो ब्राह्मणानां गुरूणां च मुनीनां वासवस्य च इच्छाम्यहमपि द्रष्टुं भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ नेच्छे चिरं धारयितुं प्राणास्त्यक्ष्ये कलेवरम् महर्षिस्तब्रवीद्देवं दृष्टतत्त्वार्थ दर्शनः। तो आगे कहते हैं मुनि संपाति से कि हे संपाते, रघुनाथ जी के भेजे हुए उनके दूत वानर यहाँ सीता का पता लगाते हुए आएंगे, उन्हें तुम श्री राम की महारानी सीता का पता बताना, यहाँ से किसी तरह कभी दूसरी जगह न जाना, ऐसी दशा में तुम जाओगे भी कहाँ, देश और काल की प्रतीक्षा करो, तुम्हें फिर नए पंख प्राप्त हो जाएंगे। तो यद्यपि मैं आज ही तुम्हें पंख युक्त कर सकता हूँ, फिर भी इसलिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं कि यहाँ रहने पर तुम संसार के लिए एक हितकर कार्य कर सकोगे। तुम भी उन दोनों राजकुमारों के कार्य में सहायता करना, वह कार्य केवल उन्हीं का नहीं, समस्त ब्राह्मणों, गुरुजनों, मुनियों और स्वयं देवराज इंद्र का भी है। यद्यपि मैं भी उन भाइयों का दर्शन करना चाहता हूँ, परंतु अधिक काल तक इन प्राणों को धारण करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, अतः वह समय आने से पहले ही मैं प्राणों को त्याग दूंगा, ऐसा उन तत्वदर्शी महर्षि ने कहा। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में हम ये 62वां सर्ग यहाँ पूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे द्विषष्टितमः सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।